मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का, जिनका सेंटर पटना के पास था, उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया, यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया और इसमें भी लाखों रुपए बच्चों के मां बाप से लिए गए। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है, और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही थी तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा न्याय के लिए। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। मैं अपने विधायक साथियों को, पार्षद साथियों को बताना चाहता हूं, आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है, कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है, ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए।